हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं BGMI के अंदर हम लोगों को जो नेक्स्ट वाला रॉयल पास देखने को मिलने वाला है, यानी कि जो A4 का रॉयल पास होगा उसके अंदर हम लोगों को क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, और साथ ही में हम लोगों का जो A3 का रॉयल पास एंड होने वाला है उसके एंड टाइमिंग्स के ऊपर भी बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग भी ज़रूर से देखना, और अगर अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। तो चलते सीधा हम लोग एंड देखते हैं कि हम लोगों का अभी वाला जो यहाँ पे रॉयल पास चला वो कब तक एंड होता है। तो देख सकते हो यहाँ पे आप लोग अगर ऊपर में देखोगे तो 15 जनवरी लिखा है, यानी कि 15 जनवरी को हमारा ये वाला जो रॉयल पास है A3 का रॉयल पास एंड हो जाएगा, और उसके बाद 15 जनवरी को ही सुबह 7:30 बजे हम लोगों का जो न्यू वाला रॉयल पास है यानी कि जो A4 का रॉयल पास है वो हमें BGMI के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये वाला रॉयल पास की टाइमिंग्स पता चल गई। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके रिवॉर्ड्स भी देख लेते हैं कि उसके अंदर हम लोगों को क्या कुछ रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। और 15 जनवरी को जैसे ही हम लोगों का न्यू वाला रॉयल पास आएगा ना, उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, तो एक एक करके उन चेंजेस के ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं सीधा रॉयल पास के अंदर जो कि हमारा A4 का है। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को जल्दी से। तो देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को एक आउटफिट देखने को मिल रही है, एंड आउटफिट के साथ आप लोगों को पता होगा कि एक हेडगियर में मिलता है, बट इस बार आप लोगों को कोई सी भी हेडगियर की स्किन देखने को नहीं मिल रही है, तो एक स्किन आपकी ऐसी ही कम हो गई मिथिक। और फिर यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को ना एक स्कॉर्पियन की स्किन देखने को मिल रही है, एंड फिर 12 RP पे आप लोगों को मिथिक एम्बलम फ्रेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। एंड ये आप लोगों को पता होगा कि A3 के रॉयल पास के अंदर ही ऐड कर दिया गया आप लोगों का BGMI के अंदर भी, सो इस बार भी हम लोगों को देखने को मिलेगी। फिर देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों को एक डांस देखने को मिल रही है जिसका नाम है सरप्राइज करके, एंड ये काफ़ी अच्छी लग रही है मुझको देखने में। एंड फिर यहाँ पे हम लोगों को एक प्लेन की स्किन देखने को मिल रही है जिसका नाम यहाँ पे प्राइम प्लेम है, एंड यहाँ पे देख सकते हो इसके अलावा हम लोगों को एक हेलमेट की स्किन देखने को मिल रही है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करूँ तो थोड़ा सा आगे आप लोग जाओगे तो आप लोगों को जो 60 UC का वाउचर है ना, ये आपको देखने को मिल रही है। हालांकि देखो अभी जो BGMI के अंदर हम लोगों को 50 UC का वाउचर मिलता है जिसको कि हम लोग कहीं पर भी किसी भी इवेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वो वाला ज़्यादा सही है क्योंकि उस ट्रिक का यूज़ करके काफ़ी सारे लोगों ने बिल्कुल बहुत ही कम UC में जो एक्सूट है उसको निकाला, या फिर M416 ग्लेशियर को निकाला। सो यहाँ पे 10 UC में वो लोग स्पिन कर पाते हैं, मतलब जो BGMI खेलते हैं, सो इसलिए यहाँ पे जो 50 UC का वाउचर है वही ठीक था। बट इस बार हम लोगों को जो 60 UC का वाउचर देखने को मिलेगा जो कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के अंदर ही सिर्फ यूज कर पाएंगे। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को एक MP5 की एक स्किन देखने को मिल रही है, बड़ी अजीब सी स्किन है, तो ये आपको मिल जाएगी। एंड इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को एक डांस मिलेगा, एंड फिर थोड़ा सा अगर आप लोग आगे जाओगे तो एक आउटफिट देखने को मिलेगी, एंड साथ ही में इसका कवर को देखने को मिलेगा। तो ये काफी अलग से यहाँ पे आउटफिट आप लोगों को मिल रही है काफी टाइम के बाद, अच्छी लगी मुझको देखने में, काफी हट के आउटफिट है। फिर यहाँ पे एक और वाउचर आप लोगों को मिल जाएगा, एंड थोड़ा सा आगे जाओगे तो आप लोगों को एक DBS की स्किन देखने को मिलेगी जो कि अगेन यहाँ पे अपग्रेडेबल होने वाली है, सो ये इसको आप लोग चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो, ये एक अपग्रेडेबल आप लोगों की स्किन होगी। तो बेसिक ऐसा रहेगा, फिर जैसे एडवांस करोगे तो आप लोगों को इस तरीके की स्किन देखने को मिलेगी, एंड आप लोगों को इसके साथ इसका एलिमिनेशन ब्रॉड कास्ट भी देखने को मिलेगा। तो आप बताना कि आप लोगों को ये स्किन कैसी लगी, एंड क्या अगर आप लोगों को ये मिल गई तो इसको आप लोग अपग्रेड करना चाहोगे या फिर किसी दूसरे गन का आने का वेट करोगे जिसको आप अपग्रेड करना चाहोगे, तो इसको कमेंट्स में जरूर बताना। अब नेक्स्ट यहाँ पे चलते आगे और देखते हैं और क्या कुछ रिवॉर्ड्स हमें मिल रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे 50 RP तक तो हमने देख लिया, अब यहाँ पे हम लोग की जो 55 RP है, एक हम लोगों को QBU की स्किन देखने को मिलेगी 55 RP पे, एंड इसका लुक वाइज अच्छा है। फिर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से हम लोगों को एक लैडर टाइप की स्किन देखने को मिल रही है, मतलब यहाँ पे हमें इमोट देखने को मिल रही है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक बैकपैक मिल रहा है, प्राइम बैकपैक करके इसका नाम है। फिर एक और हम लोगों को क्रिस्टल ब्लूम वाउचर मिल रहा है, मतलब एक क्रिस्टल ब्लूम करके हमारा इवेंट आएगा जिसके अंदर हम लोग इसको यूज कर पाएंगे, एंड उसके अंदर हम लोग को 60 UC का डिस्काउंट मिलेगा। सो इस तरीके के जो एक पर्टिकुलर इवेंट रहता है ना उसके अंदर ही हम इनको यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हो एक रेनडियर की स्किन हम लोगों को देखने को मिली है 70 RP पे। तो अब बात ये आती है कि अगर आप लोगों को ये स्किन मिल भी गई तो आप इसका क्या ही कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो अपडेट है वो तो जब तक रहेगा तब तक ही आप इसका यूज कर पाओगे। तो हाँ, क्योंकि BGMI के अंदर हम लोगों का अपडेट जो है 2 वीक के बाद आने वाला है, मतलब यहाँ पे जो हम लोगों का 3
3.0 का अपडेट है वो भी यहाँ पे जो 2 वीक के बाद आएगा, एंड साथ ही में यहाँ पे जो हम लोगों का रॉयल पास है वो भी उसी टाइम आएगा। तो तब तक आप लोगों की यहाँ पे 70 RP हो गई रही। अब पता नहीं ये वाली हम लोगों को स्किन मिलती है या कोई और मिलती है, क्योंकि देखो हम लोगों की जो रॉयल पास है वो तो 15 तक आ जाएगी एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग का जो अपडेट है वो 30 तक आएगा। तो 15 दिन का इधर उधर रहेगा, तो आप लोग यहाँ पे 70 RP तक कर रखे रहोगे पहले से, तो इसलिए अब पता नहीं उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसके अंदर हम लोगों को तो इसके कुछ यूज़ ही नहीं मिलेंगे। तो हो सकता है कि हम लोगों को कहीं स्किन चेंज करके मिले, किसी दूसरी चीज़ की हम लोगों को स्किन मिले, या फिर इसको सीधा हटा ही रहे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, क्या हम लोगों को कोई दूसरी स्किन मिलती है या फिर इसी को हम लोगों को दिया जाता है BGMI के अंदर भी। तो चलो आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलती है एक आउटफिट जिसका नाम है ट्रैकर सेट करके एंड काफ़ी अच्छी है। फिर यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलती है एक स्टन ग्रेनेड की स्किन, ओके। एक यहाँ पे हम लोगों को बाइक की स्किन देखने को मिलती है जिसके साइड में साइड कार लगी है, सो ये हमें मिलती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग को, अरे ये क्या है, कैट वाली इमोटल, लॉल ये तो यहाँ पे एकदम बिल्ली टाइप की कर रही है, सो ये हम लोग को एक और इमोट देखने को मिल रही है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलती है एक और स्किन जो कि है थॉमसन की। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे वही वाउचर्स मिलते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोगों को M249 की स्किन देखने को मिलती है। तो और हम लोगों को थोड़ी और आगे जाओगे तो थोड़ी सी और RP आगे बढ़ाओगे 95 RP पे मिथिक एम्ब्लम फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इस बार ना हम लोगों की ना कुछ लेजेंडरी स्किन को कम किया गया, वो आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो देख सकते हो अगर आप लोग 95 कर लोगे तो आपको फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। फिर 100 RP पे आप लोगों को एक आउटफिट देखने को मिलेगी एंड इसका नाम यहाँ पे कुछ पैंथर प्राइम सेट है एंड इसका लुक वाइज मेरे को काफ़ी अच्छा लगा देखने में। सो देख सकते हो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा होगा देखने में, मुझको भी काफ़ी पसंद आया एंड इसको आप लोग अपने हिसाब से रिकलर कर सकते हो। एंड देख सकते हो इसके साथ आपको यही वाला इमोट देखने को मिला है जो कि आप लोगों को पहले ही मिल जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का ओवरऑल इमोट एंड इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो इसको आप लोग अलग अलग कलर्स में जो चेंज कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लगेगा डिफरेंट कलर में भी। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। आप बताना आप लोगों को ये वाली स्किन अच्छी लगी या फिर जो अभी A3 की आई है वो वाली अच्छी लगी, मुझको तो ये वाली ज़्यादा पसंद आई। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों का जो week 8 अभी चलने वाला है BGMI के अंदर, क्या week 8 यहाँ पे A4 के रॉयल पास के अंदर भी आएगा? तो हाँ, A4 के रॉयल पास के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा एंड week 8 तक हम लोगों को मिशंस देखने को मिलेंगे, यानी कि आप लोगों को टोटल मिला के 1500 तक यहाँ पे बिल्कुल फ्री RP पॉइंट्स मिलेंगे। अब क्योंकि फ्री RP पॉइंट्स मिलेगी तो उनका कहीं पे यूज भी तो करना पड़ेगा ना, सो इसलिए यहाँ पे जो फ्री RP पॉइंट्स आप लोगों को मिलेगी उनका यूज करने के लिए आप लोगों को काफी सारे यहाँ पे क्रेड्स देखने को मिलेंगे और उसके अंदर भर भर के रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे आप लोग जैसे आओगे अपने क्रेड के अंदर तो इसके अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे आप लोग टोटल BP कॉइंस का यूज करके ओपन कर सकते हो क्रेड्स को, जहाँ पे आप लोगों को M1, M2, M3, M4 के रिवॉर्ड्स भी देखने को मिल रहे हैं। सो आप लोग चाहो तो इसको सीधा ओपन कर सकते हो और आप लोग बताना कि आप लोगों ने इसको मतलब आपको इसको ओपन करना है या फिर नहीं, एंड रिवॉर्ड्स मुझको काफ़ी अच्छे लगे। बाकी देख सकते हो अगर आप लोग 50 या 20 ओपन कर लेते हो टोटल क्रेड्स, तो आप लोगों को यहाँ से कुछ गारंटेड में रिवॉर्ड्स मिलेंगे एंड हाँ, गारंटेड रिवॉर्ड्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे डाले गए इसमें। ऐसा नहीं कि आप लोगों को कुछ भी कचरा रिवॉर्ड मिल जाएगा, रिवॉर्ड्स भी यहाँ पे अच्छे डाले गए। ऊपर में आप लोगों को मिथिक आइटम्स मिल सकते हैं, सीधे 8-8 मिथिक आइटम्स आपको दिख रहे हैं, तो उनमें से भी आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। बाकी आप लोगों के लक के ऊपर है, आप लोग जितनी अच्छी से क्रेट ओपनिंग करोगे उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और इतना ही नहीं, इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को कुछ और स्किन्स मिल रही है, जैसे कि ये देख सकते हो आप लोगों को एक ग्रेनेड की स्किन मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पे स्नो बाइक की स्किन आपको देखने को मिल रही है पिंक कलर में। फिर यहाँ पे एक डांस हम लोगों को मिल रहा है हीलिंग लव करके, तो ये देख सकते हो कैरेक्टर के साथ काफी अजीब सा लग रहा है, तो ये आप लोगों को मिलेगी। अगर आपको लेना है इसको तो आप लोगों को चाहिए होगा टोटल 900 UC। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों की A4 की जो यहाँ पे विक्ट्री डांस है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है, सो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। आप लोग बताना आपको कैसी लगी, तो ये हम लोगों को मिल जाएगी, ये तो काफ़ी ठीक अच्छी लगी मतलब मुझको। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों को वही अपग्रेड करने वाली चीज़ मिलती है जिसको आप लोग ले सकते हो। फिर यहाँ पे हम लोगों को हेलीकॉप्टर की स्किन देखने को मिलती है और फिर यहाँ पे हम लोगों को थोड़ी सी एक हेयर स्टाइल देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे कुछ फेस देखने को मिलते हैं और फिर यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं कुछ मटेरियल्स, फिर AG करेंसी, फिर यहाँ पे पेंट देखने को मिलते हैं, फिर यहाँ पे ये क्या है, अच्छा ये अपग्रेड कार्ड है, तो अपग्रेड कार्ड भी आप लोग चाहो तो यहाँ पे RP पॉइंट से ले सकते हो। तो ये हो गया हम लोगों के सारे रिवॉर्ड्स जो कि आप लोगों को
मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको और भी ऐसे अमेजिंग अपडेट्स आगे सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर कुछ डाउट होगा अभी भी कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है तो फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको कॉमेंट में दे दूंगी। और मिलती हूँ अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।